कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली पुलिस ने दो मूर्ति तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सैनी कोतवाली के इंस्पेक्टर राकेश तिवारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हाईवे पे दो संदिग्ध लोग बाइक से कहीं जाने की फिराक में हैं। पुलिस ने देर न करते हुए मौके पर पहुंच दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने तस्करों के कब्जे से एक अष्टधातु की बेशकीमती हाथी की मूर्ति बरामद की है। बरामद की गई प्राचीन मूर्ति की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ से अधिक की आंकी जा रही है। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में आए तस्कर रवि सोनी और अब्दुल रहमान इलाहाबाद जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए नए बिरक्षा में जेल भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए कौशाम्बी से शिवशंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। थाना सैनी पुलिस द्वारा एक अष्ट धातु की प्राचीन मूर्ति जो बेशकीमती है इसको बरामद किया गया है। दो व्यक्ति इसमें अरेस्ट हुए हैं, एक रवि सोनी और एक अब्दुल रहमान। ये लोग सैनी कस्बे में ये मूर्ति खरीदने के लिए आए थे। जिस व्यक्ति से खरीदी है मूर्ति 10 लाख में सौदा हुआ था, विशाल नाम का व्यक्ति अभी नहीं मिला है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। मूर्ति लगभग 6 किलो वजन है और इसमें 52.18% सोना है, यानी लगभग 52% इसमें गोल्ड है। तो एक बेशकीमती मूर्ति है और लगभग इसकी कीमत सोने में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, बाकी इसकी एंटीक वैल्यू है। हम इलाहाबाद में जो ASI का ऑफिस है उनसे पत्राचार कर रहे हैं और उनसे इस मूर्ति की प्राचीनता एवं उसके जो सही वैल्यू है उसके बारे में आकलन करवा रहे हैं।